आज हम बनाने जा रहे हैं नूडल्स। मार्केट से हमने नूडल्स लिए हुए हैं। इसकी सामग्री हमने तैयार करके लिए प्याज, पत्ता गोभी, गाजर और गार्निश के लिए हरी मिर्च और लहसुन। अब हम नूडल्स को पानी में डालेंगे। पानी उबल गया। इसको हमने सीधे ही रखना है। इसमें हमने 2-3 मिनट के लिए इसको रखना है पानी में, ऐसे उबलने के लिए। अब ये अच्छी तरह बॉईल हो चुके हैं। इसको हम डालेंगे छन्नी में ताकि इसका हमारा नूडल अच्छी तरह ये पानी निकल जाए। इसमें से पानी निकल चुका है। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा तेल ताकि ये आपस में चिपके नहीं। इसको हम अच्छी तरह ऐसे करके मिक्स कर लेंगे। पकने के लिए ये हमने ऑयल रख दिया हुआ है। अब हम इसमें लहसुन डालेंगे। इसमें हम प्याज डालेंगे। अब हमारी वेजिटेबल पक चुकी है। इसमें हम नूडल्स डालेंगे। इसमें हम सोया सॉस डाल देते हैं। 1 चम्मच विनेगर डालेंगे। इसमें हम डालेंगे चिली सॉस। इसमें हम थोड़ी सी और मिर्च डाल देते हैं स्वाद अनुसार। नमक डालेंगे स्वाद अनुसार। अब हमारे नूडल्स तैयार हो चुके हैं। इसे हम सर्व कर लेते हैं। गाइस, हमारे नूडल्स तैयार हो चुके हैं। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे कमेंट और शेयर लाइक ज़रूर कीजिएगा।